नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस थाना राजगढ़ द्वारा रापी लगाकर लूट की वारदात करने वाले माछलिया गैंग के साथी आरोपियों को किया है गिरफ्तार। पिछले कई वर्ष से धार जिले में इंदौर अहमदाबाद इंदौर मुंबई हाईवे पर रापी लगाकर लूट करने वाले आरोपियों के द्वारा की गई लूट की वारदातों का व लूट में शामिल आरोपियों का नाम का खुलासा किया गया। तिल्ला थाना क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री के निज सचिव के साथ हुई लूट करने वाले फरार शातिर आरोपी गुलाब सिंह को भी किया गिरफ्तार। वहीं धामनोद थाना क्षेत्र में 2 माह पूर्व इंदौर के सराफा व्यापारियों के साथ रापी लगाकर लाखों रुपए नकदी व सोने चांदी के जेवर की लूट करने वाले आरोपियों में से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं थाना राजगढ़ में अगस्त माह में मोहन खेड़ा पुल के पास झाबुआ के परिवारों के साथ लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूटे गए आभूषण किए बरामद। इस तरह धार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में वारदात करने वाले गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से घटनाओं में लूटे गए माल में से लाखों रुपए की कीमत के आभूषण लैपटॉप तथा नकदी रुपए बरामद किए गए हैं। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। आज धार पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए एसडीओपी सरदारपुर और थाना राजगढ़ की टीम ने एक गैंग पकड़ा है, जिसमें पहले एक आरोपी गुलाब सिंह पिता चैन सिंह निवासी धरावरा थाना कोतवाली को पकड़ा और इससे पूछताछ की। उसके बाद इसके साथी मोगड़िया और धन सिंह को पकड़ा है, जो माछलिया के रहने वाले हैं। गुलाब सिंह की रिश्तेदारी माछलिया में होने से ये लगातार उनसे संपर्क में था और ये मिलकर घटनाएं करते थे। इनसे जब पूछताछ की गई तो करीब 6 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें 2018 की 2 लूट, एक सागौर थाने की, एक नालचा थाने की, और 2 लूट तिरला की, जिसमें एक माननीय मंत्री जी के पीए के साथ जो लूट हुई थी, एक परिवार के साथ लूट हुई थी, और मोहन खेड़ा में एक परिवार के साथ लूट हुई थी, वो इनसे निकला है। उसके अलावा एक नई घटना इनके द्वारा बताई गई, जिसमें थाना धामनोद में एक लूट हुई थी, जिसमें लैपटॉप, कुछ सामान और सोना चांदी के जेवरात गए थे और वो पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इनका अभी पूर्व में, आप क्योंकि ये पहली बार ही पकड़े गए हैं तो इनका ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, परंतु इनके जो साथीदारान हैं उनका काफ़ी रिकॉर्ड है। कितने का माल जब्त हुआ? करीब 2 लाख का माल जब्त हुआ है। सर, इन्होंने लूट क्यों करना बताया? ये जनरली अपने खर्चे निकालने के लिए, और जब कहीं घूमने फिरने जाते थे उस समय वापस लौटते हुए घटना करने के आदी हैं, और इन्हें चिन्हित किया गया। इनके अन्य साथी भी चिन्हित किए गए हैं, जिनको जल्दी पकड़ा जाएगा। हाँ, इनकी टीम के अभी 4 लोग अभी इस जो धामनोद वाला मामला है उसमें फरार हैं, परंतु करीब 15 से 20 लोग जो है इनके चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।